डाल दे दीजिए। वजह तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। विनोद यादव आरक्षी चालक हैं सीआरपीएफ के यहाँ के, और उनके द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने पूरे परिवार को मार दिया गया है और स्वयं भी आत्महत्या कर ली गई है। कई गोलियों के खोखे वहाँ मिले हैं और कई इंजरीज दिखाई दे रही हैं, फायर इंजरीज जैसी लग रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद, सारी चोटों के आने के बाद और पूरी जांच के बाद घटना के बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। जो सर, जिससे गोली मारी गई है, क्या लाइसेंसी है कि सरकारी है? प्रथम दृष्टया लाइसेंसी रिवॉल्वर लग रहा है और वो मौके से मिला है, और एक फायर आर्म इंजरी खुद विनोद यादव आरक्षी चालक को भी है, और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली है और बेटी को और अपनी पत्नी को गोली मारी। किस तरह कार्रवाई की जा रही है? जांच किया जा रहा है, मौके पे सारे फॉरेंसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, बाकी आसपास के लोगों से जांच की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरीज़ वगैरह के बारे में जानकारी ली जा रही है, व्यवहार के बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट होकर हमारे सामने आए। Thank you.